जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि डिजिटल करेंट अकाउंट पूरा का पूरा जीरो बैलेंस अकाउंट है, और यहां तक कि इसमें कैश डिपॉजिट भी आपको फ्री मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है जो कि जीरो बैलेंस में, और ये डिजिटली ऑनलाइन खुल जाता है इमिडिएटली, तो उस पर भी हम वन टू वन करके बात करेंगे कि कैसे। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपको जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट खोलना है, उसमें क्या है कि आपका ऑनलाइन इंडिविजुअल बिजनेस है या सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो आप हैंड टू हैंड अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक है तो इमिडिएटली आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अंदर में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है, इंस्टेंट जीरो बैलेंस अकाउंट मिल जाता है आपको। जो ब्रांच बैंकिंग सर्विस है अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक्सटेंड हो गई, जो कि 5 बजे तक ही है। कैश डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे डिजिटल करेंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट की सर्विस नहीं होती, लेकिन इसके अंदर कैश डिपॉजिट सर्विस है। और आपको फ्री में बिजनेस डेबिट कार्ड भी मिल जाता है, और ये खुलवाने का बहुत ईजी स्टेप है। अगर आपका इंडिविजुअल करेंट अकाउंट है तो केवल आपकी KYC चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए और बिजनेस प्रूफ चाहिए। अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में अगर आप जाए तो आपका GST है, उससे खाता खुल जाएगा, उद्यम आधार से खाता खुल जाएगा। या कोई भी आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट, या हर स्टेट का अलग अलग जो भी सर्टिफिकेट होता है, अगर वो सर्टिफिकेट है आपको, तो इमिडिएटली आपका खाता हैंड टू हैंड आप खुलवा सकते हैं विदाउट कहीं गए हुए। अब बहुत इजी सा प्रोसेस है। इजी सा प्रोसेस क्या है, आपको पैन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, अपने एरिया का पिन कोड डालना है और अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो देखें, ये अकाउंट पूरा का पूरा जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें कोई मेंटेनेंस का कोई सीन नहीं है। इसके अलावा क्या है कि फ्री आपको वीजा डेबिट कार्ड मिल जाता है, और 3 लाख तक का आपका कैश डिपॉजिट आपको लिमिट मिल जाता है। बहुत सारे बैंकों में ये होता है कि आप इतना मेंटेन करेंगे तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग कैश डिपॉजिट का आपको मिलता है, लेकिन इसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। आपको फ्री में 3 लाख तक का कैश डिपॉजिट लिमिट मिल जाता है, और 100 फ्री चेक लिप्स भी आपको डिजिटल करेंट अकाउंट में दिया जाता है। डिजिटल करेंट अकाउंट में ऐसा भी देखा जाता है कि मोस्टली बैंकों में आप ऑनलाइन ही केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। डिजिटल मतलब ऑनलाइन डिजिटल होता है, लेकिन यहाँ डिजिटल का मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ आप चेक के थ्रू नॉर्मल तरीके से भी सारा का सारा आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप फ्री में आप जो चेक कलेक्शन है, चेक पेमेंट है, सारा का सारा फ्री है। NEFT, RTGS, UPI, आपका सारा पेमेंट जो आएगा, जो पेमेंट एक्सेप्ट होगा इस अकाउंट में एक्सेप्ट हो सकता है। 24/7 आप कैश डिपॉजिट ले सकते हैं, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बहुत सारे ब्रांचों में अब मशीन लग चुकी है CDS की। आप कैश मशीन में जाके CDM में जाके कैश डिपॉजिट कर सकते हैं आप किसी भी टाइम में। और कैश डिपॉजिट जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 लाख रुपये तक कैश डिपॉजिट भी आपका दिया जा रहा है। तो अगर आपका छोटा काम है, 3 लाख में आपका महीने का काम हो जाता है, वैसे भी इंडिया में डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया मूवमेंट में आप पार्टिसिपेट करें और कैश को आप अवॉइड करें। अगर कैश अगर आपका नहीं है तो बहुत बेटर प्रोपोजिशन है, इस अकाउंट को आप खुलवा सकते हैं। पॉस लिमिट, पॉस ट्रांजेक्शन, अगर आपके पास रिटेल शॉप है तो पॉस मशीन भी आप ले सकते हैं, पेमेंट गेटवे भी ले सकते हैं टूर एंड ट्रेवल्स वालों वगैरह के लिए, या कोई पेमेंट के वेबसाइट के थ्रू पेमेंट लेते हैं। आपको QR कोड बेस फैसिलिटी मिल जाता है, UPI पेमेंट बेस आपको पेमेंट कलेक्शन मिल जाता है इस अकाउंट में, और पेमेंट के रिकॉर्डिंग आप इसके अंदर फंड ट्रांसफर, NEFT, RTGS सारा कुछ फ्री मिलता है। 100 चेकलिप्स भी आपको फ्री मिल जाता है इस अकाउंट में। कैश विड्रॉल फ्री लिमिट है ATM से, या जितनी मर्जी बार AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप ATM यूज कर सकते हैं, दूसरे बैंक का ATM आप यूज कर सकते हैं, तो उसमें इस लिमिट है, वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आप ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हैं इसमें। बेनिफिट है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज, सारा कुछ पेमेंट लेवल की सर्विसेज से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का टाइप हो चुका है, तो आप इजीली इस अकाउंट से सारा डायरेक्ट टैक्स सारा कुछ आप पेमेंट कर सकते हैं। आज के डेट में फास्टैग वगैरह और EMI वगैरह बिल पेमेंट्स वगैरह फैसिलिटी भी है इसके अंदर। मतलब कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो नए बैंकों में AU स्मॉल फाइनेंस ने बहुत जल्दी ही डिजिटल चैनल पर तरक्की किया है, और सारा का सारा बेनिफिट अपने कस्टमरों को लेके आया। उसके वजह से कस्टमर बेस भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का इमिडिएटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के था, लेकिन अब आज के डेट में जो बैंक की सर्विसेज है उसको लेकर के बहुत सारे कस्टमर इनके पास आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था, जो सोल प्रोवाइडरशिप और इंडिविजुअल खुलवाने के लिए बस पैन कार्ड, आधार कार्ड की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, GST नंबर है अगर आपका सोल
प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल है, वहीं पैन आधार चाहिए होती है, केवाईसी चाहिए, दो एंटिटी प्रूफ डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, आधार चाहिए, ऑथराइजेशन सिग्नेट जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका आधार कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि ओटीपी बेस से ही इमिडिएटली केवाईसी वेरीफाई हो जाता है। और इनिशियल फंडिंग आप आईएमपीएस या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं इसके अंदर में। तो दोस्तों ये जो अकाउंट है ये बहुत बेस्ट अकाउंट है, आप चाहे तो इसमें खुलवा सकते हैं, और कोई मेंटेनेंस का सीन नहीं है, सारा का सारा जीरो बैलेंस है, कैश विड्रॉल बैश डिपॉजिट सारा का सारा आपको फ्री में दिया जा रहा है, 3 लाख रुपए तक के है। उसके बाद अगर आप कैश डिपॉजिट कराते भी हैं तो 1,004 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा, और मिनिमम 50 रुपीज़ है इस पे चार्जेस। उसके अलावा जो सारी सर्विसेज है, एनईएफटी, आरटीजीएस, पेमेंट वगैरह सब कुछ है। तो आपका छोटा व्यापार है और करंट अकाउंट खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका कभी भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें, वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।